भारत के नोटबंदी का असर चाइना पर भी पड़ा है। चीन में रहने वाले भारतीय अब बैन 500 और 1000 के नोट इंडियन बैंक की शाखा में नहीं जमा कर सकते। चीन स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि बंद किए गए पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट चीन या हांगकांग में स्थित भारतीय बैंक की शाखाओं में जमा नहीं किए जा सकते। इसके लिए किसी भारतीय व्यक्ति को अपने खाते में इसे जमा करने के लिए किसी को लिखित रूप से अधिकृत करना होगा। दूतावास ने कहा कि अधिकृत व्यक्ति को इन नोटों के साथ अधिकार पत्र और वैध पहचान पत्र के साथ बैंक की शाखा में जाना होगा। बता दें कि हजारों भारतीय चीन के बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू में रहते हैं। यहाँ के 7 भारत के बैंकों में 2 निजी क्षेत्र हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी की घोषणा की है। ये कदम काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए उठाया गया। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक है।